सेम कास्ट में जब भी प्यार होता है तो वो प्लांट प्यार है, ठीक है। तो वो चीज ऐसा भी है कि सुनो, सुन तो लो पहले, ठीक है, वो भी होता है। अब देखो क्या पहले सुन लो, पहले सुन लो, फिर आप अपनी बातें रखना, ठीक है। हाँ मोहित भाई सर गुस्सा हो रहा है। ओके सो दैट इज द थिंग। अब देखो, अब वो लड़की गई हुई है कहीं और वहां पर भी प्रेजेंट है अच्छे अच्छे, तो क्या लड़की देखेगी नहीं? आंख तो बंद नहीं करेगी, आंख तो बंद नहीं करेगी। अब ऐसी बात है, हाँ, या लड़का ही गया है, मोहित ही गया, मैं मोहित के सर मोहित ही चलो मोहित की बात, इसी की बात, मोहित की बात। क्या मोहित गया तो मोहित मुंह नहीं मारेगा? अरे मुंह क्लास कोचिंग के बाहर मुंह से लात भी मारेगा कोचिंग के बाहर निकल। ये तो गलत है ना, ये तो गलत है ना। तो यही हो गया ना, तो जैसे आप इंडिपेंडेंट होते हैं आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो, तो यही है ना आपका रिलेशन में ऐसे ही कोई कुछ है दम ही नहीं है। फिर जब दम होता तो आप किसी तरफ देखते ही नहीं, तो आपका प्यार है ही नहीं, ठीक है ना। ये बातें होती है, तो मतलब से तो मैं सबसे समझाना ये चाह रहा था, मैं बहक गया, क्या कर सकते हैं हम भी बहक। ओके हाँ, तो ये चीजें हैं। अब हम यहाँ पर रिटर्न, तो ये क्या है, जब कोई भी चीज ऑटोमाइजेशन फॉर्म में आ जाता है, जब कोई भी चीज ऑटोमाइजेशन फॉर्म में आता है तो क्या होता है, वो रिएक्टिव हो जाता है। तो क्या होता है, वो रिएक्टिव हो सकता है, वो पहले रंग में रह ही नहीं सकता है। मान लो आप अपने डैडी के साथ गए हो मॉल घूमने, या आप अपने ग्रैंड फादर के साथ वॉक कर रहे हो, तो आप शरीफ की तरह घूमोगे, चाहे लड़का हो लड़की, मतलब समझ लो। लेकिन वही अकेला देखो, फिर देखो आप अपना रंग कैसे बदलते हो, हाथ पे बाल पे हाथ कैसे चलाते हो, तो दैट इज द थिंग। इसी को मेटामाइजेशन कहते हैं। जब भी आप अकेला रहते हो तो आप रिएक्टिव होते हो, फिर आपको जो मन होता है वो कर डालते हो, समझ में आ रहा है। तो दिस इज द थिंग। इसी का आप पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि जब आप अपने लाइफ में अकेला रहते हो तो आप बड़ी से बड़ी काम कर डालते हो, क्योंकि आपके पास इतनी रिएक्टिविटी होती है ना, आप अपना दिमाग लगा दिया है तो फिर कुछ भी हासिल कर सकते हो। पर्सनल क्वेश्चन पे मत पढ़ा करो, इसलिए बुरे दिन में आया था। हां भाई सर, चल दिन आई था, अंदर की बात पता ही नहीं है। अरे वाह, शरीफों को ये लोग बदनाम कर देते हैं, क्या कर सकते हैं। आगे बैठो, अभी काम देगा तो शरीफ बदनाम होती है। ओके सो दैट इज द थिंग। ओके देखो, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैं प्योर ब्रह्मचर्य जो बाबा टाइप का इंसान हूँ। मेरे को ऑफर बहुत ज्यादा आए हैं, 73 ऑफर आ चुके हैं, 73 प्रपोजल आ चुके हैं क्लास 7 से अभी तक में, ठीक है, और हर एक दो महीने आ ही जाते हैं। एक चीज, लेकिन सबका नाम पता है, हमें ये कुछ और नहीं, नाम कैसे कौन क्या, लेकिन आप पहला पार्ट सुन करके आप कमेंट मार दिए, लेकिन दूसरा पार्ट आप सुने नहीं। लेकिन लेकिन आज तक किसी को मैंने एक्सेप्ट नहीं करा, आज तक किसी के साथ एक सेकंड भी नहीं बिताया मैंने, एक सेकंड भी नहीं। दैट इज द थिंग। आगे बढ़ते हैं। ओके देखो, मैं एंजॉय के लिए तुम्हें सब बात बताना चाहता हूँ, फिर मेरे को कभी भी सोचता हूँ मुझे तुम्हें सीरियसली गाइड करना चाहिए, सच्चाई बताना चाहिए। ओके इस चक्कर में मत करो, ये है कोई बात नहीं, बट ये सही नहीं है। ओके बाकी सब में लाइफ, सबका अपना, सबका अपना अपना प्रायोरिटी होता है, कोई किसी के लिए प्यार से भर के इस दुनिया में जाएगा, समझ रहे ना। सब इंडिविजुअल बॉडी है, सबका अपना अलग माइंड है, सबका इंडिपेंडेंट, तुम्हारा प्रायोरिटी कुछ और, किसी बहुत लोग हैं उनके लिए सक्सेस की कोई वैल्यूज ही नहीं है, उनके लिए प्यार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप कंटिन्यू करो, देखिए किसी के लिए सक्सेस का इंपॉर्टेंस है, किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए फैमिली इंपॉर्टेंस है, किसी के लिए खुद इंपॉर्टेंस है, किसी के खुद के इमेज इंपॉर्टेंस है, किसी के लिए इज्जत इंपॉर्टेंस है, किसी के लिए मजा इंपॉर्टेंस है, कोई मजा ही करने चाहता है, वही समझता है मैं पैदा ही लिया हूँ मजा लेने के लिए, सबका डेफिनेशन अलग है। और हमें किसी को चेंज करने की चाहिए भी नहीं, हमें सिर्फ कम आके बोल करके निकल जाना चाहिए। जो समझदार है उसको इशारा काफी होता है, जिसको समझना नहीं उनको आप बांध के भी समझाओ वो नहीं समझेगा। आगे बढ़ो, सो दिस इज द थिंग। तो ऑटोमाइजेशन का सिंपल से मतलब यही था, हमने बहुत लंबी स्टोरी खींच लिया। ओके बट अच्छा था। अच्छा ऑनेस्टली बताऊं, कितने लोगों को अभी मेरी बातें बोरिंग लग रहा है? ऑनेस्टली ऐसा सोच रहे थे काश ये सेशन ना होता, ऐसा तो कभी नहीं होता है ना। ओके कहीं कहीं ऐसा नहीं है ना,
ओके चलो थैंक यू। सर ये गैस फेज में सॉलिड में है ना? दोनों गैस फेज में, दोनों गैस फेज में। ओके जब पेयर था ना तब भी रिएक्टिव था, जब अकेला हुआ तो और ज्यादा रिएक्टिव हो गया, ठीक है ना? जब ये पेयर है तो गैसेस फेज में है, गैसेस फेज में वो रिएक्टिव होगा, तो इसलिए फेज नहीं बदल इसका सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली रंग नहीं बदल रहा है, ज्यादा रिएक्टिव है ना। हाँ जी हाँ एग्जैक्टली, देखो इसका स्टोरी समझ में आ रहा है, क्या बात है, एक्सपीरियंस है। इनका आप जो डेल्टा एटोमाइजेशन ऑफ एच नॉट होगा दैट इज 435 ओके किलो जूल मोल इनवर्स, डेल्टा एटोमाइजेशन एच नॉट 435 किलो जूल मोल इनवर्स। उसी तरह से सर हाँ एक बात तो H2O2H सेम ही तो है सर, समझ में तुमने आया ही नहीं। अरे ये सर स्टोरी, आप दो मिनट रुको फिर मैं दूसरा स्टोरी लूंगा, पहले मेरे को थोड़ा सा पढ़ा लेते ठीक है। दिस इज द थिंग, अब हमारे पास मान लो CH4 गैस है, इनको हमने लिया, तो ये हमारे पास कार्बन आ गया ओके प्लस का 4H हमने गैस फेज में ले लिया। जब इनको हमने गैस फेज में लिया तो इनका जो एटोमाइजेशन ऑफ एच नोट होता है 1665 किलो जूल मोल इनवर्स। यहाँ पर हम यह कार्बन का हाँ CH4 का एटोमाइजेशन भी सारे गैसेस फेज में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सो दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग। इसमें एक और एग्जांपल हम ऐड कर ही लेते हैं, एनी अगर हमारा सोडियम है और एनी अगर हमारा गैस फेज में आ गया तो इनका जो हम एटोमाइजेशन ऑफ एच स्टैंडर्ड एग्जैक्ट वैल्यू यूज करेंगे दैट वुड बी 108.4 किलो जूल मोल इनवर्स। इतना काफी एटोमाइजेशन के लिए तुम्हारे 12-13 तक के लिए ओके। तो दिस इज द यहाँ पर क्या है, एच टू क्या पूरे परिवार के साथ है, अब ये अलग अलग घूम रहा है, एच गैस के फॉर्म में एटम के फॉर्म में घूम रहा है, एटॉमिक फॉर्म में घूम रहा है। तो यहाँ पर क्या था, एक मॉलिक्यूल था, एच टू क्या है मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एच टू मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को हमने एटम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ठीक है। यहाँ पर क्या है CH4 क्या है कंपाउंड था, कंपाउंड को हमने मॉलिक्यूल के एटम के फॉर्म में कर दिया। देखो यहाँ पर कार्बन भी एटम के फॉर्म में है और हाइड्रोजन भी प्योर एटम के फॉर्म में है। तो ये Na हमारा था, अब ये गैसियस फॉर्म में एटॉमिक फेज में आ गया। Na यहाँ पर सॉलिड था, इनको हमने गैस में कन्वर्ट किया, सॉलिड है हाँ ये सॉलिड है, अब ये गैस में आया है। तो अब देखो सब जगह हमें क्या है एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ रहा है, हमें क्या करना पड़ा है एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ा। यहाँ पर हमने 435 एनर्जी प्रोवाइड करा, यहाँ पर 1665 प्रोवाइड करा और यहाँ पर 108.4 प्रोवाइड करा, क्लियर है? तो ये हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट आप लिखो इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन लिखो, व्हेन When one mole of a covalent compound, अब आके क्या करोगे, जाओ अब कोई काम तो है नहीं, हाँ बैठ जाओ थोड़ा बहुत घूम के चले जाओ ठीक है। अब क्या ओके, when one mole of a covalent compound, ऐसे ही मैं सेफ हूँ, ऐसे मेरे पे अटैक करेगा तो मेरे आप लोग ही बचा लो। कैसी बात कर रहे हो सर, यही गाड़ी पर निकल जाएंगे क्या आस्तिक, क्या थैंक यू, हवा में नहीं मिलेगा सर, थैंक यू आस्तिक ओके। गो एंड मोल ऐसे ज्यादा हो गया, वैसे ही ज्यादा हो गया ओके, वैसे ज्यादा हो गया और ज्यादा, उल्टा और मुझे फंसा देगा, स्ट्रांग कर देगा सुमित, और फिर स्ट्रांग कर देगा लंबी दूर से सर ऑन डिसोल्यूशन